नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। पानसेवल जलपथ पंचायत अध्यक्ष शीला विनोद वसावे एवं देवधर के ग्रामवासियों द्वारा या मोगी माता शोभा यात्रा अपने निजी निवास देवधर से निकाली गई, जिसमें आसपास के ग्रामवासियों ने भी शोभा यात्रा में भाग लिया। शोभा यात्रा में संस्कृति परंपरा के साथ निकाली गई एवं रो राडी साथ नाच गाने के साथ धूमधाम से निकाली गई। यह शोभा यात्रा ग्रामीण से लेकर पानसेवल नगर पहुंची, जहां से पानसेवल नगर भ्रमण करते हुए दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर माता की पूजा अर्चना करने के पश्चात वहीं से जय योगी माता मंदिर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि गुजरात के मोगी माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ आपको बता दें कि जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद जी वसावे द्वारा बताया गया है कि यह शोभा यात्रा सुख शांति के लिए निकाली जाती है और नगर एवं ग्रामीण वासियों की सुख शांति के लिए यह शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में 25-26 गाड़ियों के साथ मंदिर पहुंचेगी। आज रात रोटरी का कार्यक्रम किया जाएगा एवं शुभ प्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। शोभा यात्रा में शामिल रहे पानसेवल विधानसभा के विधायक श्याम जी बर्डे, राम सोनोने, मुरली सटोटे सहित सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता शोभा यात्रा में शामिल रहे। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश बड़वानी पानसेवल से महेंद्र सोनबड़े की रिपोर्ट। ये देवधर ग्राम से देवगर माता गुजरात के लिए जत्रा है। आदिवासी कुलदेव मुखी माता के यहाँ मंदिर छूटने जा रहे हैं। देवगर माता का आशीर्वाद हम सभी पे बना है और बना रहेगा, इससे तो हम सभी श्रद्धालु 20-30 गाड़ी लेके देवगर माता के लिए जा रहे हैं। क्षेत्र की सुख शांति के लिए देवगर माता कामना करेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।